गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूनिट पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस टॉपिक एनोमेलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन तो जो बोरॉन जो है फर्स्ट मेंबर है ग्रुप थर्टीन एलिमेंट्स का वो डिफरेंट बिहेवियर क्यों शो करता है बाकी अपने मेंबर्स अपनी फैमिली में से क्यों क्योंकि मेन रीजंस क्या है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक एंड आइनिक साइज़ है बोरॉन का हाई आइनाइजेशन इन है ड्यू टू इट्स स्मॉल अटोमिक एंड आइनिक साइज़ और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स हैं उसके वेलेंशियल में तो कुछ हम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं जहाँ पे बोरॉन डिफर करता है बाकी मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप बोरॉन बीइंग हार्डर बीइंग स्मॉल इज हार्डर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप उसके पास के हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है बाकी मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप से बोरॉन फॉर्म करता है कोवलैंड कंपाउंड्स बाकी जो हैं वो फॉर्म करते हैं आइनिक एज वेल एज कोवलैंड कंपाउंड्स बी एफ थ्री क्या है कोवलेंट इन नेचर वाइल ए एल एफ थ्री क्या है आइनिक है ऑक्साइड ऑफ बोरॉन और हाइड्रोक्साइड कैसे वीकली एसिडिक है और वो डिजॉल्व करते हैं एल्कलीज में फॉर्मिंग मेटाबोरेट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम एंड गेलियम आर एम्फोटेरिक वाइल दोडियम एंड थेलियम आर बेसिक इन नेचर तो इस तरह से ये रिएक्शन है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है ट्राहेलाइट्स ऑफ ग्रुप थर्टीन बिंग कोविलेंट दे आर हाइड्रोलाइज बाय वाटर एज बोरॉन ट्राईलाइट्स एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से फॉर्म करते हैं टेटराहेड्रल स्पीशीज बी ओ एच होल के पास फोर नेगेटिव और ट्राईलाइट्स ऑफ एल्यूमिनियम और अदर एलिमेंट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल स्पीशीज फॉर्म करते हैं ए एल एच टू पास सिक्स थ्री पॉजिटिव बोरोन जो है वो इट इज़ नॉट अटैक्ट बाय नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स वाइल अदर एलिमेंट्स अटैक्ड होते हैं बोरोन जो है वो शो करता है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट बाकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो शो करते हैं प्लस वन एज वेल एज प्लस थ्री ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बोरोन कंबाइन करता है विद मेटल्स एंड फॉर्म बोराइड्स वाइल अदर एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन ये फॉर्म करते हैं एलॉयस नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यहाँ देखते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ कार्बन कार्बन जो है फर्स्ट मेंबर है ग्रुप फोर्टीन का वो भी एक डिफरेंट बिहेवियर शो करता है बाकी अदर मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हाइयर आइनाइजेशन इन थेलपी की वजह से और एबसेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द वेलेंशियल तो मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन जो है फॉर्म ऑफ डायमंड में वो बहुत ज़्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप फोर्टीन हाइयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है देन द अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप कार्बन के पास चार वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं जैसे वन टू एस एंड थ्री टू पी तो ये मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है फोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडेड तो मैक्सिमम कोवलेंसी कार्बन की क्या हुई फोर अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से ये एक्सपैंड कर सकते हैं अपने कोवेलेंसी टू तो सिक्स कार्बन डज नॉट फॉर्म सी एफ सिक्स टू नेगेटिव वेर वेरस सिलिकन फॉर्म्स एस आई एफ सिक्स टू नेगेटिव